पेपर लीक कांड से हड़कम, सी ने पेपर लीक करवा दिया पहले, अब वो दोबारा एग्जाम करा रहे हैं। जो हमने पूरे साल मेहनत करी है उसका क्या फायदा हुआ? 28 लाख छात्रों के भविष्य से खेल। अगर आप अपनी आप गलती मानो ना, 28 लाख बच्चे हिंदुस्तान में पेपर दे रहा, वो सब तो वापस थोड़ी देंगे अपना पेपर। सीबीएसई वालों की तरफ से ये सब हुआ है तो उन्हें देनी चाहिए ना, बच्चे क्यों करे ये सब? किसने लगाई सीबीएसई में सेंध? पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिरकार कहां से इनके पास ये पेपर पहुंचा, कैसे पहुंचा और क्या इन्होंने इसके लिए किसी तरह की कोई पेमेंट की थी? क्या सारे पेपर हुए हैं लीक? सारे पेपर लीक हुए हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथ्स का ही नहीं हुआ, सब पेपर लीक हुए हैं। साइंस का, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब का लीक हुआ है पेपर। मैम या तो होंगे तो सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैम पेपर लीक सारे हुए हैं। उनके पास अकाउंट्स का भी पेपर था, उनके पास केमिस्ट्री का भी पेपर था और बच्चे बायो का भी था। अगर कैंसिल करना है तो सारे एग्जाम कैंसिल करिए। पेपर लीक कांड के माफिया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक कांड के बाद हड़कंप मचा है। जिस सीबीएसई पर परीक्षा लेने की जिम्मेदारी थी उसकी लापरवाही से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। परीक्षा से पहले बाजार में बिक रहे पेपर की यह खबर हमारी क्राइम डेस्क की हेल्पलाइन पर भी आई थी और हमने इस बाबत सीबीएसई को सूचना देते हुए जवाब मांगा था, लेकिन सीबीएसई सोती रही और अब 10वीं और 12वीं के दो पेपर रद्द होने के बाद सामने आई है पेपर लीक कांड के उस माफिया की कहानी जिसने हर किसी को चौंका दिया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक कांड के बाद अब हाहाकार मचा है। सीबीएसई ने पेपर लीक करवा दिया पहले, अब वो दोबारा एग्जाम करा रहे हैं। जो हमने पूरे साल मेहनत करी है उसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी नहीं है, दूसरे बच्चों की गलती की सजा मुझे मिल रही है, क्यों? 10वीं और 12वीं क्लास के जिन बच्चों ने साल भर खूब पढ़ाई की थी, दिन रात की मेहनत के बाद जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, पेपर लीक कांड के बाद अब उनकी आंखों की नींद उड़ गई है। ऑफिस से पेपर लीक हुआ तो उनकी गलती है, ये दोष नहीं है, ये रियलिटी है जो उनको एक्सेप्ट करनी है। सारी मिस्टेक सीबीएसई की है तो हम फिर इसमें सफर क्यों करें? पेपर उनके पास थे, पेपर उन्होंने बेचे, वो बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सीबीएसई ने पेपर लीक कांड के बाद 10वीं की गणित की परीक्षा और 12वीं की इकोनॉमिक्स के पेपर रद्द कर दिए हैं और इसी बात ने देश के 28 लाख छात्रों की जिंदगी में तूफान ला दिया है। मैम या तो होंगे तो सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैम पेपर लीक सारे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि एंड टाइम पे एक दिन पहले या एक घंटे पहले फ्री में ही पेपर, क्योंकि हमने रात भर बैठ के मेहनत करी इतनी पेपर में तो उसका कुछ रिस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए। हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारी साइकोलॉजी भी अफेक्ट होगी इससे। तमाम शहरों में, तमाम जगहों में पेपर लीक कांड के बाद छात्र सदमे से घिरे हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि कौन है वो एग्जामिनेशन माफिया जिसने सीबीएसई में लगा दी सेंध, कौन है वो गुनहगार जिसने परीक्षा से पहले ही पेपर आउट करके उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। मैम या तो होंगे तो सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैम पेपर लीक सारे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा में पेपर लीक के इस मामले में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। यही नहीं, पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र नगर में कोचिंग चलाने वाले विकी नाम के एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। विकी के बारे में सीबीएसई को फैक्स से शिकायत मिली थी, हालांकि विकी की कोचिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसे बेगुनाह बताते हैं। हम दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर कॉलोनी में हैं और ये जो गेट है इसी गेट के अंदर विद्या कोचिंग सेंटर चलता है, जिसके संचालक विकी से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है हिरासत में लेकर के। सीबीएसई की जो
क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के जो लीक हुए 10वीं और 12वीं के, उसकी जांच के सिलसिले में यहां पर विकी के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो गार्जियन है यानी अभिभावक और छात्र, वो इकट्ठे हैं विकी के समर्थन में और उनका कहना है कि विकी दरअसल निर्दोष है। विकी भैया जैसा हो, ट्यूशन टीचर कैसा हो, विकी भैया जैसा हो। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए 10 छात्रों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। ये छात्र अलग अलग स्कूल से हैं। यही नहीं, पुलिस की नजर दिल्ली के कई मशहूर कोचिंग सेंटर्स पर भी है। पुलिस उन व्हाट्सएप मैसेज की भी जांच कर रही है जिसके जरिए पेपर भेजे गए थे। पेपर लीक कांड के सुर्खियों में छाने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी गहराई से छानबीन की बात कही है। जिन गुनहगारों ने ये लीक का काम किया है उनको बख्शेंगे नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस जल्दी, जैसे एसएससी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वैसे इस मामले में भी दोषियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि यही उसका उत्तर है। आखिर वो कौन है जिसने सीबीएसई में लगा दी सेंध? कौन है वो एजुकेशन माफिया जिसने परीक्षा से पहले ही 10वीं और 12वीं के पेपर को आउट कर उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया? रहस्य की इस पड़ताल के लिए पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक कांड के बाद छात्रों के साथ ही अभिभावकों में भी बेहद गुस्सा है। पेपर लीक के इस मामले में सीबीएसई ने 10वीं का गणित और 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर रद्द कर दिया है। तो क्या सिर्फ इन्हीं दो विषयों के पेपर लीक हुए थे, या फिर सीबीएसई में सेंध लगाने वाले माफिया ने सारे के सारे पेपर लीक कर दिए हैं? सीबीएसई के मुताबिक 10वीं के गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर को छोड़कर और किसी भी सब्जेक्ट का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन एबीपी न्यूज के क्राइम डेस्क की हेल्पलाइन पर फोन करके एक शख्स ने जो दावा किया है उसकी कहानी कुछ और ही कहती है। ये है दिल्ली के शहादरा इलाके में रहने वाले कोचिंग टीचर डॉक्टर विक्रांत। विक्रांत के मुताबिक जिस रोज 12वीं का बायोलॉजी का एग्जाम था, उस रोज सुबह एग्जाम से ठीक 1 घंटा पहले व्हाट्सएप के जरिए बायोलॉजी का पेपर लीक हो चुका था। मुझे लगभग भी तो पेपर होने से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही मेरे पास में व्हाट्सएप में कुछ बायोलॉजी के पेपर के क्वेश्चंस के आंसर आए थे। जब मैंने उन क्वेश्चन के आंसर्स को देखा तो मैंने इग्नोर कर दिया उस टाइम पे। लेकिन जब पेपर हुआ और पेपर होने के बाद में जब मैंने बच्चों से पेपर मंगाया तो उसमें जितने मेरे पास में वो क्वेश्चंस के आंसर आए थे हूबहू उनके जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उनसे पूरी तरीके से मैच कर रहे थे। 100% पार्ट वाई पार्ट वे उनके साथ में एग्जैक्ट मैच दिखा रहे थे, जिससे ये पूरी तरीके से शोर है कि पेपर ऑलरेडी ही लीक हो चुका था और इसके आंसर जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग भी तो 1 से 1.5 घंटे पहले मिनिमम सर्कुलेट हो चुके थे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक कांड से हड़कंप मचा है। पेपर लीक आउट के बाद 10वीं की गणित की परीक्षा और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। सीबीएसई जल्द ही फिर से इन विषयों के एग्जाम की तारीख का ऐलान करेगी। खबर तो यह भी है कि इनके अलावा कई और विषयों के भी पेपर लीक हुए हैं, तो क्या उनके एग्जाम भी फिर से होंगे? सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सिर्फ गणित और इकोनॉमिक्स के ही पेपर लीक नहीं हुए, बल्कि 12वीं के बायोलॉजी के साथ ही अकाउंट्स के पेपर भी लीक हुए हैं। ये दावा एक नहीं बल्कि कई लोगों ने किया है। एबीपी न्यूज की क्राइम डेस्क की हेल्पलाइन पर भी हमें यह खबर मिली थी। तहकीकात के दौरान कोचिंग टीचर डॉक्टर विक्रांत ने हमें वो सबूत भी दिखाए जिसकी कहानी यही थी कि बायोलॉजी और अकाउंट्स के पेपर भी लीक हुए हैं। हालांकि जिस रोज अकाउंट्स की परीक्षा हुई थी उसी रोज शाम को सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके पेपर लीक होने की खबर को खारिज कर दिया था।
पेपर लीक होने जैसी कोई बात सही नहीं है। सभी सील एग्जाम सेंटर तक लगे हुए थे। हालांकि परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान निचले स्तर पर कुछ लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को ठेस पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए कुछ गलत मैसेजेस फैलाए थे। सीबीएसई ने ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। आज सीबीएसई के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई है। हम आपको यहां बता दें कि पेपर लीक के इस मामले में एबीपी न्यूज ने सीबीएसई को चिट्ठी लिखकर मामले की गंभीरता से अवगत कराया था, लेकिन एबीपी न्यूज की चिट्ठी पर कोई एक्शन लेना तो दूर, सीबीएसई की तरफ से चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं आया। पेपर लीक के सनसनीखेज कांड के बाद कई लोगों का दावा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सारे विषयों के पेपर आउट हुए हैं और वो बाजार में 10,000 से लेकर 5,000 तक में बिक रहे थे। सारे पेपर लीक हुए हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथ्स का ही नहीं हुआ, सब पेपर लीक हुए हैं। साइंस का, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका लीक हुआ है पेपर। मैम या तो होएंगे तो सारे होएंगे या कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैम पेपर लीक सारे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इकोनॉमिक्स का पेपर लोग कह रहे हैं लीक हुआ है, सीबीएसई कह रही है और उसी का पेपर रिकंडक्ट कर रही है, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे या जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनके पास अकाउंट्स का भी पेपर था, उनके पास केमिस्ट्री का भी पेपर था और बच्चे बायो का भी था। अगर कैंसिल करना है तो सारे एग्जाम कैंसिल करिए। सच क्या है इसका खुलासा तो तभी होगा जब सीबीएसई में सेंध लगाने वाले एग्जामिनेशन माफिया तक पुलिस पहुंचेगी। फिलहाल मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच जारी है। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। आखिर वो कौन है जो छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है? जब तक इसका खुलासा नहीं होता हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।